मेरे परिवारजनों, आप भी जानते हैं कि स्पेस सेक्टर का जो सामर्थ्य है वो सैटेलाइट लॉन्च करने या अंतरिक्ष की खोज से कहीं ज्यादा बड़ा है। स्पेस सेक्टर की एक बहुत बड़ी ताकत है जो मैं देखता हूं, वो है ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ गवर्नेंस। आज देश में स्पेस एप्लीकेशंस को गवर्नेंस के हर पहलू से जोड़ने की दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है। आप लोगों ने जब मुझे प्रधानमंत्री के रूप में काम का दायित्व दिया तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स की स्पेस साइंटिस्ट के साथ एक वर्कशॉप करवाई थी और इसका मकसद ये था कि गवर्नेंस में, शासन व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाने में स्पेस सेक्टर की ताकत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कैसे करें। तब किरण जी शायद हम लोगों के साथ काम करते थे। इसी का नतीजा था जब देश ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, शौचालयों का निर्माण शुरू किया, करोड़ों घरों को बनाने का अभियान चलाया, तो इन सब के मॉनिटरिंग के लिए, उसकी प्रगति के लिए स्पेस साइंस ने बहुत मदद की। आज देश में दूर दराज के इलाके में एजुकेशन, कम्युनिकेशन और हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। इन दिनों आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त जो जिले जिले में अमृत सरोवर बन रहे हैं उसका भी टैगिंग, उसके भी मॉनिटरिंग स्पेस के द्वारा ही हो रही है। बिना स्पेस टेक्नोलॉजी के हम टेली मेडिसिन और टेली एजुकेशन की कल्पना तक नहीं कर सकते। स्पेस साइंस ने देश के रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में भी बहुत मदद की है। हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकत देने में, मौसम का अनुमान लगाने में स्पेस सेक्टर जो मदद करता है वो देश का हर किसान जानता है। आज वो देख लेता है अपने मोबाइल पर अगले सप्ताह मौसम का क्या हाल है। देश के करोड़ों मछुआरों को आज नाविक सिस्टम से जो सटीक जानकारी मिल रही है वो भी आप ही की देन है। आज जब देश में बाढ़ आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप आता है, तो हालात की गंभीरता का पता लगाने में आप सबसे पहले आगे आते हैं। जब साइक्लोन आता है तो हमारी सैटेलाइट्स उसका सारा रूट बताती हैं, सारी टाइमिंग बताती हैं और लोगों की जान भी बचती है, संपत्ति भी बचती है। और सिर्फ साइक्लोन के कारण जो संपत्ति बचती है ना, उसका अगर जोड़ लगा दे तो आज स्पेस का जो खर्चा है उससे वो ज्यादा हो जाता था। हमारे पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का आधार भी स्पेस टेक्नोलॉजी है। और आज दुनिया भारत के इस गतिशक्ति प्लेटफॉर्म का अध्ययन कर रही है कि प्लानिंग और मैनेजमेंट में ये प्लेटफॉर्म कितना उपयोगी हो सकता है। इससे प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग, एजुकेशन और मॉनिटरिंग में काफी मदद मिल रही है। समय के साथ बढ़ता हुआ स्पेस एप्लीकेशन का ये दायरा
हमारे युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ा रहा है, अवसर बढ़ा रहा है। और इसलिए आज मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आपके यहां से जो रिटायर्ड लोग हैं वे इसमें काफी मदद कर सकते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि इतनी सुबह सुबह मोदी जी यहां आए और कुछ काम भी दे करके जा रहे हैं। साथियों, मैं चाहूंगा कि इसरो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारें मिलकर गवर्नेंस में स्पेस टेक्नोलॉजी पर एक नेशनल हैकाथॉन का आयोजन करें। इस हैकाथॉन में ज्यादा से ज्यादा युवा, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी, ज्यादा से ज्यादा नौजवान वो शामिल हो, जुड़े। मुझे विश्वास है ये नेशनल हैकाथॉन हमारी गवर्नेंस को और प्रभावी बनाएगा, देशवासियों को मॉडर्न सॉल्यूशंस देगा।